एबीपीएस एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बदायूं के ब्लॉक बिसोली में स्थित पैंगा भिकमपुर गांव बड़ा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 4 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से यह गांव 45 किलोमीटर है। वर्तमान समय में ग्रामवासियों ने मुन्नी देवी को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है। लगभग 3300 की आबादी एवं 1350 वोटरों वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में लगभग 300 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की करें तो गांव की प्राइमरी पाठशाला व जूनियर हाई स्कूल में लगभग 310 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहीं गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 35 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से वर्तमान प्रधान द्वारा 10 हैंडपंप रिमूव कराए गए हैं। विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 20 विद्युत पोल, 1 विद्युत ट्रांसफार्मर व सोलर लाइट भी लगी हुई है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की करें तो वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 3 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे व पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया गया है। साथ ही वर्तमान प्रधान के देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 60 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। वहीं एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने सीसी टाइल्स रोड, खडंजा पानी निकासी के लिए नाला, बारात घर, पानी की टंकी, आंगनबाड़ी केंद्र, तालाब, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवासों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं प्रधानपति ग्राम पैगा भिकमपुर और ब्लॉक पिसौली जिला बदायूं तहसील मतलब जिला बदायूं तहसील बिसौली है और जो सरकार से मुझे धन प्राप्त हुआ वो धन मैंने अपने मतलब ग्राम पंचायत में सीसी डलवाई, खरंजा डलवाए, इंटरलॉक डलवाई और शौचालय बनवाए। जो मैंने वादे पूरे मतलब जो मैंने वादे किए थे समाज में जनता में वो वादे धन कम मिलने से मैं वादे पूरे नहीं कर पाया। अभी मेरे गांव में बहुत चीज़न की आवश्यकता है, नहीं तो बारात घर है और दीवाल वो जो तालाब है उसकी मतलब सुरक्षा दीवाल है, 6 महीना रास्ता बंद रहती है मेरे गांव में कछलोगन की, 6 महीना वो बंद रहती है, जल भरने से भर जाता है, उसकी कमी है। और स्कूल में मतलब दीवार स्कूल की 4 दीवारी कम होने से वहाँ टूट फूट लोग रात में जाके कर देते हैं, उधम मचाते हैं। स्कूल में मैंने कई बार मतलब काम कराया, वो अंदर उसका वो मतलब टंकी वगैरह खोल खाल ले रात में जाके, तो सुरक्षा दीवार जरूर मतलब स्कूल की नहीं पूरी हुई है। और जो मेरे ग्राम में ग्राम समाज की जो जमीन है वो जमीन दमंग लोगन के कब्जा में है, एक फेरा जमीन नपी ही, गांव में नपवाई, टीम आई नापने के लिए, तहसीलदार साहब, नेकपाल साहब और कानीगोई साहब, इनने वो जमीन नपवाई। आधी जमीन नपने पे आधी ग्राम समाज खाली भई, तब तक मतलब वो लोग सब छोड़े चले गए, फिर उनने नापी नहीं और सब दमंग लोगों के कब्जा में, मेरे कब्जा में कोई ग्राम समाज की जमीन नहीं है। वृक्षारोपण वगैरह और जो पट्टे वाली जो जमीन है मतलब वैसी घूर के गड्ढा वो सब के कब्जा में है और घूर के गड्ढन के ता हमारे गांव के लोग मांग रहे हैं, लेकिन मैं कहां पर दे दूं, कैसे दे दूं, बहुत सब दबंग लोगों के कब्जा में है जमीन।